नमस्कार, मैं हूं पूजा भारती और आप देख रहे हैं P3 न्यूज़। जिस तरीके से गठबंधन की सरकार जब से बनी है झारखंड में, तब से आए दिन राजधानी रांची में और पूरे झारखंड में वारदातों की घटनाओं जो हो रही है वो बढ़ते जा रही है। और ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि बीजेपी की सरकार हटने के बाद और जब से गठबंधन की सरकार बनी है, क्राइम की, वारदातों की जो घटना है वो बढ़ते जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुख्य कारण क्या है, उनसे जानेंगे। नमस्कार। देखिए, ये घटना पहले भी होती रही है और बहुत ही हुई है। जब भाजपा की सरकार थी तो 28 दिनों में आप राजधानी में 35 घटनाएं हुई थी, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जिसमें थे रघुवर दास जी, उनके दरवाजे पे दो दो हत्या हुई थी और वो लोग आज तक पकड़े नहीं गए थे। तो ये घटना घट रही है, चिंताजनक है। मगर एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि पिछली सरकार की जो सिस्टम थी, सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर थानेदार तक जो पैरवी करते थे वो लोग, उसके कारण ये सब होती रही है। और आज भी सरकार निश्चित बदली है, आज 28-29 दिन हो गया सरकार बदले हुए और घटना घटी है। सरकार इसमें चिंतित है और घटना हो रही तो पकड़ा भी रहे हैं, पहले पकड़ाते नहीं थे लोग। तो कहीं ना कहीं पुराने सिस्टम में जो लचीलापन था या जो खराबियाँ थी उसको धीरे धीरे सरकार ठीक करेगी। और आपने सही प्रश्न उठाया कि भाजपा के सृजन राज्य में भी होता था और आज भी हो रहा है, तो हेमंत सोरेन इस पर बहुत ही गंभीर है। दो दिन पहले ही उन्होंने सारे विभागों को आदेश किया है, इंक्लूडिंग जो होम है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनको भी उन्होंने बोला है कि घटनाओं पर अंकुश लगाइए और नहीं तो परेशानियां बढ़ेगी। सर, लोहरदगा में जो NRC के समर्थन में रैली निकाली गई थी उसमें कई लोग घायल हो गए थे और उसमें एक नीरज प्रजापति जिनकी मृत्यु हो गई है, प्रशासन का कहना है कि उनको कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हुई है, लेकिन उनके परिजन का कहना है कि हिंसक झड़प में उनको चोट लगी थी, उसके वजह से उनकी मौत हुई है। देखिए, मामला मेडिकल का है और डॉक्टर अगर उनके पोस्टमार्टम किए हो तो निश्चित तौर पे उस पोस्टमार्टम पे रिपोर्ट आया होगा। और अगर आम आदमी, मैं मेडिकल साइंस से नहीं हूँ या मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, अगर मैं किसी को बोल दूँ कार्डियक अरेस्ट हो गया या ब्रेन हैमरेज हो गया या सर पे चोट लगने के कारण गंभीर हो उनकी मौत हो गई है, तो ये गलत होगा। और सबसे दुख हर का लोहरदगा का रहने वाला, हम लोगों के बीच नहीं रहा, उनके घर वालों पर बहुत ही आफत आई होगी कि लड़का किसी घर का चला जाना आज समय, ये बड़ा ही दुखद समय होता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को शक्ति प्रदान करे कि वो इस मुआवजे की भी मांग की थी। अनिश्चित तौर पर कोई घटना घटती है और घटना के दौरान अगर ऐसा होता है तो निश्चित मुआवजा लोग मांगते हैं। मगर आप बोल रहे थे NRC, ये NRC या किसी चीज़ के नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाव से खेलकर, धार्मिक भाव से खेलकर, नौजवानों के भाव से खेलकर ऐसा ही घटना कराते रहती है, तो ये भाजपा का रहता है ऐसा। सर, जहाँ तक बात करें बजट की, 2020 बजट आज पेश हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इस बजट में झारखंड के लिए ट्राइबल म्यूज़ियम का प्रस्ताव रखा गया है, यहाँ ट्राइबल म्यूज़ियम बनने जा रहा है। देखिए, आपने आम बजट पर सवाल किया है, मैं दो तीन बातें ज़रूर बोलूँगा कि देश के नौजवानों को क्या चाहिए। हर लोग बोलेंगे रोज़गार चाहिए, आप भी बोल रही है रोज़गार चाहिए। अगर आपको कोई सरकारी विभाग मिल जाता तो आप कैमरा लेकर, तो मुझे लगता है कि नौजवानों पे कुछ नहीं बोली सरकार ने। और 2 घंटा 45 मिनट का ये बजट पढ़ी है श्रीमती सीता रमन जी ने, वित्त मंत्री जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवचन था भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को आत्मसंतुष्टि के लिए। ना ही इसमें नौजवानों की बात हुई है, ना ही किसानों की मजबूती की बात हुई है, ना ही महिला सुरक्षा की बात हुई है, ना ही प्राइवेट सेक्टर या और जो सेक्टर है उस पर बात हुई है। इसमें सिर्फ देश को बेचने के काम की है। पहले इन्होंने भेल को बेचा, जेल को बेचा, ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन किया, एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन किया, अब LIC की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को ही इन्होंने बेचने का काम किया। तो कुल मिलाकर बोला जाए तो ये बहुत ही निराशाजनक बजट है इस देश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मनरेगा पे चर्चा नहीं है। जहाँ तक इस राज्य की म्यूजियम की बात है, ट्राइबल म्यूजियम की बात है, एक अच्छी बात है। मगर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री से दिल्ली में मुलाकात की थी तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोला जाए। अगर इस राज्य में ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलती तो यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो शिक्षा दीक्षा है, उस पर लोग, यहाँ के ट्राइबल्स या और भी जो दूसरे लोग, उस कल्चर को सीखते, उसको पढ़ते और पूरे दुनिया में इसकी बात होती,
तो प्रधानमंत्री महोदय से मांगने गए हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी, तो इनकी जो मन की बात होती है वो सिर्फ उनकी अपनी बात होती है, ना कि देश दुनिया या झारखंड वासियों की बात होती है। तो इसमें बोला क्या जाएगा, मांगने गए आप बोले कि भाई जी आपको मैं खाना खिला, और आपको मैं बोल रहा हूँ जमीन पड़ा हुआ उसमें खेती कर लो फिर खाना खा लेना। तो ये भाजपा की नीति रही और सरकार की वैसे ही नीति देश में चल रही है। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रवक्ता राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने कई तरह के मुद्दों पर बात की, चाहे वो NRC के मुद्दा हो या फिर जो लोहरदगा में वारदात हुई थी उस पर भी बात की, और आज जो बजट पेश हुआ है 2020 का जो बजट पेश हुआ है उस बजट को निराशाजनक बजट बताया गया है। और जो ट्राइबल म्यूज़ियम यहाँ पर खुलने वाला था ये बहुत पहले मांग की गई थी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के, जो यूनिवर्सिटी की तो मांग पूरी नहीं हुई लेकिन ट्राइबल म्यूज़ियम की मांग ज़रूर पूरी हो गई है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए P3 न्यूज़ के साथ, अपनी सहयोगी अर्शी शमीम के साथ, मैं पूजा भारती।